वेलकम्स टू डेज व्लॉग। जय मल्होत्रा, ऑल इन वन में आपको फिर से एक बार स्वागत है। अब बड़े टाइम बाद फिर से व्लॉग चालू किया है और थोड़ा सा प्रोग्रेस भी कर लिया है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं किया है, ऑल दो थोड़े से पता नहीं क्यों गोरे गोरे लग रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद अपने आपको कैमरे में वापस देख रहे हैं। होपफुली आपको ऐसे, यार शिकायतें तो मेरे से रहती होंगी कि साला 10 दिन व्लॉग बनाता है, उसके बाद रुक जाता है, देन कुछ भी नहीं करता। तो आज मैं आपको मौसम दिखाता हूँ पहले, तो क्योंकि फरीदाबाद के अंदर ही मैं रहता हूँ, आप सबको पता ही है। तो अब मौसम भी बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। और हाँ, आपको एक अच्छी चीज़ भी बतानी है कि जो अभी है, जिसको मैंने ले लिया है, इसका भी रिव्यू वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी तो खुद ही चला रहे हैं तो फिर कुछ बता नहीं सकते ऐसा जितना, लेकिन जैसे भी होगा पॉसिबल हम आपको बताते हैं। तो आप एक बार पहले बाहर का मौसम इंजॉय करो। कुछ बाहर का मौसम देखो, आज ऐसा हो रहा है फरीदाबाद में, मतलब आज तो जैसे लग रहा है कि मानसून आ ही गया है। और ये एक सोसाइटी के बाहर ही मैं खड़ा हुआ हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मौसम की बात तो कुछ भी करो, मौसम ना अल्टीमेट हो रहा है, अल्टीमेट। रीजन ना बहुत सारे थे कि अभी व्लॉग्स बनाने क्यों एंड हो गए, और कितने लोगों ने मतलब इस बार मोटिवेट किया ना, मैं बता ही नहीं सकता। फर्स्ट रीज़न ये था कि मैं अपनी कार को बुक कर रहा था, देन उसके अंदर मैं बहुत बिजी हो गया था। मैंने, हाँ अभी फ़िलहाल ही मैंने कुछ एक दो हफ्ते पहले मैंने किया कि सोनेट परचेज़ की है, HDK+, जिसका मैं रिव्यू आपको ज़रूर दूंगा। और साथ ही साथ मैं अभी हमारी ऑलमोस्ट एंगेजमेंट हो चुकी है, देन इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। इसी चक्कर में बहुत बिजी हो गया था क्योंकि नया नया रिलेशन है, उसको भी टाइम देना ज़रूरी है, अपने आप को भी टाइम देना ज़रूरी है, फिर ऑफिस का थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। तो आपको ये एक झलक तो दिखा ही सकते हैं हम, ये आपको झलक दिखाई गई है कि यह अभी ब्रांड आपको एक्चुअली नहीं दिख रहा प्रॉपरली, लेकिन जैसे दिखेगा सब सही है। और हेयर ग्रोथ के मामले में मैंने आप सबको बताया था कि मिनोक्सीडिल बहुत अच्छा काम कर रही है। देन अब जो भी है, सुबह सुबह उठ के बस बाहर आ गए हैं किसी काम से, तो काम हमारा आपको पता ही है, किसी का फ़ोन था, फ़ोन रिपेयर करवाने आए हैं, फ़ोन हमारे हाथ में है, फ़ोन सही हो चुका है, बस यही है। तो आज जब ये फ़ोन रिपेयर हो ही गया है तो आज शाम तक या आज उनको एंड ऑफ द डे डिलीवर कर देंगे। और ऑल दो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार मैं व्लॉगिंग से ना मैं फेड अप नहीं हो सकता कभी भी, मेरे को अपने आप से बात करने का ना बहुत मन करता है। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि यार ये 10 दिन बनाएगा उसके बाद सब छोड़ देगा, मैं इस अपने पैशन को ना फॉलो ज़रूर करना चाहता हूँ। बस अब प्रॉब्लम यही आ जाती है कि किधर कितना कितना टाइम मैनेज करो। देन अब थोड़ा सा मेरे को सब कह रहे हैं कि भैया ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, इसको भी तुम अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं वही कर रहा हूँ। और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, जब सब कह रहे हैं तो सबकी डिमांड तो हमें पूरी करनी ही है। और ऑल दो मैंने ड्राइविंग भी रिसेंटली अभी अभी सीखी है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई इतना लगता था ना जितना वो टास्क भी बहुत मुश्किल लगता है कि ड्राइविंग करना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा चीज़ इतना बड़ा टास्क भी नहीं है ये। मैं विद इन 5 to 6 days के अंदर प्रॉपर ड्राइविंग करने लग गया, तो और क्या सॉरी इसके लिए ना मेरे को लगता है अपनी मतलब व्लॉगिंग के लिए ना एक प्रॉपर सेटअप गाड़ी में भी बिठाना पड़ेगा। तो यही है। और हालांकि बात रही किया सोनेट की, तो मैंने सोनेट अभी 19th of June को बुक की थी। देन बुक करने के बाद ही मतलब इसकी ऑलमोस्ट वेटिंग पीरियड था 15 to 20 weeks का। हाँ, तो 15 to 20 weeks का इसका वेटिंग पीरियड था। और साथ ही साथ वेटिंग पीरियड जो भी हो, आपको तो पता है कि हम लोग जुगाड़ू हैं ही, तो हम अपनी बंदों को जुगाड़ तो हम बता ही सकते हैं। यही जुगाड़ था इसके साथ कि इन्होंने बोला वेटिंग पीरियड इतना लंबा है, देन हमने कहा कि नहीं भैया हमसे तो इतना वेट होगा नहीं। जैसी वेट हुआ नहीं तो उन्होंने हमें कहा कि सर ठीक है फिर। और हमारी ऐसी कोई वो भी नहीं थी कि हमें यही कलर चाहिए, हमें कोई पर्टिकुलर, मैंने उनको 3 कलर ऑप्शन दे दिए थे कि मेरे को वाइट दे दो, ब्लैक दे दो या ग्रेफाइट ग्रे दे दो। देन उन्होंने कहा ठीक है फिर आपके कलर्स का इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, देन हम आपको जो उनसा कलर जल्दी अवेलेबल होता है हम आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। देन साथ ही साथ उन्होंने हमें विद इन अ वीक वाइट कलर का ऑप्शन दे दिया। और ये वाइट कलर का ऑप्शन लेने के बाद तो फिर हमें उन्होंने कह भी दिया कि आपको हैंडओवर हम गाड़ी जल्दी कर देंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये सीट बेल्ट की आवाज़ आ रही है और सिक्योरिटी, आप सबको पता है कि मैं ये कहता हूँ कि मैं क्या सभी सब
एक सेकंड, अरे सीट बेल्ट लगा रहे थे, फिर सामने से कोई आ गया देन एकदम से, तो हम भी मतलब अभी एज अ हैवी ड्राइवर तो मैं नहीं कह सकता कि हैवी ड्राइवर हो गए हैं, बस जो भी है काम चल रहा है, इतना है कि अपन सिटी में और हाईवेज में जाने लग गए हैं और क्या ही कह सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी वाइज सोनेट अच्छी है, ऐसा नहीं है कि एवरेज नहीं देती, सब कुछ है। मतलब मैं पल्सर 220 चला ही रहा था दिन उसको चलाने के बाद, और इसमें ज़्यादा मुझे एज सच मतलब कंफर्ट भी तो देखा जा सकता है एक। अब कंफर्ट देखा जाए तो गाड़ी तो आप सबको, चाहे ऑल्टो ही क्यों ना हो, गाड़ी तो गाड़ी ही है। और बस अब हम अपने घर के लिए निकल गए हैं, एक काम के लिए आए हुए थे, वो काम ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो आपको ये मतलब इस टाइम में मैं ये कहता हूँ कि जो इतनी गर्मी चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग तो यही अच्छा है कि आप लोग भी जिसके पॉसिबल है इस टाइम कार्स ना कार्स ले लीजिए, क्योंकि फ्यूल का प्राइस ज़रूरी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि फ्यूल का प्राइस नहीं बढ़ रहा, ये सबसे बड़ा इशू है करंटली। मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा कोई इशू है ही नहीं कि इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं ना कि लिमिट से पार हो गए हैं। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के पता नहीं कुछ ना कुछ रोज़ नए फंडे आ जाते हैं, उनके बेसिस पे जाके ये कहते हैं। फिर आपको किया सोनेट का ना मैं वॉक अराउंड तो ज़रूर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं वॉक अराउंड दूंगा नहीं, और इसके रिव्यूज़ पूरे आपको ढंग से बताऊंगा, मैंने कौन सा वेरिएंट लिया है उसके बारे में बताऊंगा, और इसके पीछे रीज़न क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी व्लॉग छोटा ही बना रहा हूँ, शॉर्ट और सिंपल ही होगा, लेकिन बस ऐसा ही है कि अब दो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट थी, वो आप लोगों को बतानी थी। अब वो अनाउंसमेंट करे बिना तो कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि आप लोगों से मैं कुछ छुपाऊँ ऐसा कुछ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी मैं किसी से कोई बात छुपा पाता ही नहीं। तो यही एक बात है जिसको हम नहीं बता रहे थे बड़े टाइम से, इसलिए हमारी ब्लॉगिंग भी रुकी हुई थी। अब आपके साथ सब कुछ शेयर कर ही दिया है, तो बस तो इन केस अगर आपको मेरा ये चैनल जो भी है, आपको छोटू मोटा सा मेरा चैनल जो भी है आपको पसंद आता है मेरा दिया हुआ कंटेंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, क्योंकि वॉच आवर्स हैं बहुत ज़रूरी, और वॉच आवर्स मेरे लिए क्या सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जितना पॉसिबल होगा और जितना अच्छा होगा, आज मैं शायद अपना डेली करोल बाग भी जाऊँगा, और इनकेस अगर मैं करोल बाग गया तो आज मैं पूरे वो जितना रास्ते का टाइम है ना, उस रास्ते के टाइम की वीडियोज़ बनाऊँगा, और हो सका तो पूरा का पूरा शायद अप्रॉक्सीमेटली बड़ा ही ब्लॉग बनेगा, लेकिन ब्लॉग बहुत अच्छा बनेगा। तो साथ में हमारे एक बंदा भी होगा इनकेस अगर पॉसिबल हुआ तो, हम उसको भी साथ में इस वीडियो में, मतलब वो हमारी बिल्कुल एडिटिंग या वीडियो शूट करने के काम में हेल्प ज़रूर कर देगा। तो यही एक बात है। अब आज का ब्लॉग हम अभी का छोटा ब्लॉग जो अभी का आज का भी नहीं अभी का एक छोटा ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, फिर जैसा होता है आपसे दोबारा मिलते हैं। दोबारा मिलने में तो हम वैसे भी हर बार एक्साइटेड रहते हैं। चलो अभी के लिए इतना ही।